हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है साक्षु रेसिपी में। और आज की रेसिपी है टमाटर की चटनी या फिर टमाटर की सब्जी, आप जो चाहे वो इसे बोल सकते हैं। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। खट्टी मीठी लगने वाली ये चटनी है। इसके अंदर ना ही हमने लहसुन डाला है, ना ही प्याज। ये बहुत ही यमी और क्विक बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टमाटर की चटनी आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे चार टमाटर लिए हैं। चार टमाटर यहाँ पे पके हुए हैं लाल कलर के। इसे हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है इस तरीके से। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने एक चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होते ही इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे लो रखनी है। अब हमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बहुत ही क्विक और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। यही 4 से 5 मिनट में बन जाती है ये सब्जी और चटनी। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। अब हमें इसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लेना है। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। टमाटर को यहाँ पे हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, इसकी बाइट आनी चाहिए मुँह में। और इसी के साथ में इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर डालने से ये अच्छी लगती है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है गर्म मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो आप भी कीजिएगा और इसे ज़रूर बना के खाइएगा। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच अभी नमक डाला है इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इन सारे मसालों को। हमें इसे ढकना नहीं है, इस चटनी को ऐसे ही जल्द पक जाती है। इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है सारे मसालों को इसके अंदर। इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया पत्ती और इसी के साथ मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। इस चटनी को हमें खट्टी मीठी बनानी है, तो इसके अंदर हम डालेंगे तीखापन तो हमने डाल दिया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम मीठापन। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच भर के शक्कर यूज़ कर रही हूँ। यह शक्कर ऑप्शनल है, पर शक्कर डालने से ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी डाल के इसे बनाइएगा। इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे तरीके से, इसका जो पानी है ना वो निकलना चाहिए इसके अंदर से। तो देखिए इस तरीके से निकल आया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी करी पाउडर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप चाहे तो फ्रेश कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कड़ी पत्ता को सूखा लिया था और इसका इस तरीके से पाउडर फॉर्म बना लेती हूँ। और किसी भी सब्जी में हम डाल सकते हैं, सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता पाउडर डाला है, आप चाहे तो फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो बस इसे 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, इतना ही हमें इसे गाढ़ापन देना है। आप चाहे तो और भी इसे पतला बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर मैशर से इसे मैश कर लीजिए। और इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डालेंगे इस। तो यहाँ पर हमारी ये सब्जी बन के रेडी है, चटनी बन के रेडी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे इतना ही गाढ़ा बनाती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसे आप इडली के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी यमी टमाटर चटनी बनके रेडी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाती रहूँ। और साथ ही में जो बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। इसी के साथ मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी दी है, तो आप वहाँ साक्षु रेसिपी में जाके वो चेक कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इस सब्जी को बनाइए, इस चटनी को बनाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, यमी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।